राम राम भाई मेरे सारे फिटनेस के चहितों को। 3 साल हो गए हैं और अब वापस आ चुका हूँ तुम लोगों के साथ फिट होने के सफर पे। सो आज का जो वर्कआउट होगा काफ़ी चैलेंजिंग होगा, थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट करेंगे, लेकिन याद रखना जो इंसान पसीने में तपता है ना वही हकीकत में चमकता है। सो रेडी हो? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ काफ़ी बिजी होती है और फिटनेस काफ़ी सेकेंडरी लगती है, लेकिन याद रखना हेल्थ इज वेल्थ। ये फिट हो गया, अब अपने वर्कआउट पे चलते हैं। और हाँ, तुम जितना अपने आप में इन्वेस्ट करोगे ना उतना ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील करोगे। चलो बहुत हो गई डायलॉग बाजी, अब वर्कआउट पे आते हैं। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, मूड को रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर अपने स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। और आज हम एक दो इक्विपमेंट्स में ऐड करे हैं मैंने, जो 2 टायर्स ऐड करे हैं, कल ब्रिक्स थी इस बार टायर ऐड करे हैं। सो बीच में ना सांसें जरूर लेते रहना, कभी सांस बंद करके ये काम करो। तो इस तरह ना इसके ना 3 सेट कर लेंगे। इस वीडियो को मैं लंबी नहीं खींचूंगा वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, सिर्फ मेन में बात करेंगे, ठीक है? आप थोड़ा वार्म अप कर लो, इसमें आप अपनी भी एक्सरसाइज थोड़ी ना एड ऑन कर सकते हो। तो मैंने तो ये की है, अभी 1-2 और एक्सरसाइज और करूँगा वार्म अप के लिए, फिर उसके बाद अपना प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। चलो वापस कैमरा को सेट कर देते हैं और स्टार्ट कर क्वेट से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अपनी कमर ना बिल्कुल सीधी रखना, आगे रखोगे तो पेन होने लगेगा। सेट हो गए, अब 3रा सेट करते हैं। इसमें परफेक्ट भी नहीं हो ना फिर भी चलेगा। और हाँ भाई, कमेंट में ना डन जरूर लिख देना जब तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाए। चलो 3रा सेट करते हैं। तरह हमारी पहले एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वो हम करेंगे शोल्डर, और टी शर्ट उतार लेते हैं, देखते हैं कितना पंप आता कितना नहीं आता। ओके, अपने शोल्डर के लिए डंबल्स ले आते हैं, टायर भी ले लेते हैं, वैसे दूसरा भी है लेकिन फिलहाल हम एक से ही करेंगे। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी जब 2 पे आ जाएंगे, लेकिन आज के लिए तो हम एक से ही करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ देखो मत, करना भी स्टार्ट करो, जब भी पता लगेगी इंटेंसिटी क्या होती है। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हो ना या फॉर्म में दिक्कत आ रही हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करेगा ना उसको भी रिप्लाई मिलेगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं अपने वर्कआउट रूटीन पे। तो इस तरह पहला सेट कंप्लीट हो गया। देखो मैं पूरी एक्सरसाइज करके नहीं दिखाऊंगा, पहला सेट करा, अब इसके बाद आप अपने 2 सेट और कर लेना, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी और थकान भी हो जाएगी। फिर कब इसको एडिट करूँगा, कब इसको मैं डालूँगा, तो अभी इतनी करके दिखाता हूँ। अब अपनी 3rd एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, मैं पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद 3rd एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, हाँ तो बताना भूल गया, अगर इस वाले टायर से ना हो तो थोड़े छोटे टायर से कर लेना। वैसे ये मीडियम है, लोग तो इससे बड़े बड़े टायर से कर लेते हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ना, थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे, तो ना मिले तो छोटे टायर से कर लेना। कोर के लिए 1 नंबर एक्सरसाइज है, प्लस तुम्हारे तो शोल्डर्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इसको चलो कंप्लीट करते इसको वापस। बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, बहुत भारी बन रही है करना, लेकिन कोई नहीं, ये थकावट जो आज की है ना कल ही हमारा वार्म अप होगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अभी इस थकावट को थोड़ी देर घूट बन के पी जाते हैं और मन को थोड़ा सा काबू में कर लेते हैं। चलो
थकावट तो होती है, क्या करें, पकड़ना तो पड़ेगा भाई, तभी तो शरीर टूटेगा। और याद रखना, पहले दिन अगर बहुत तोड़ एक्सरसाइज कर लोगे ना, ये जो उल्टी आने का चक्कर होता है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो इस शरीर के साथ कितनी ज़बरदस्ती कर लो, लेकिन शरीर का भी सुननी चाहिए, ज़्यादा 30 मार्खा भी नहीं बनना, वरना टूट के भी घर जाओगे नीचे, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, अब हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज अपने पुशअप्स पे चलते हैं। भाई बिना पुशअप्स के तो ना तो तुम्हारी जिम कंप्लीट, ना घर कंप्लीट, ना पहलवानी कंप्लीट, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। बर्फीज़ भी कर सकते हो, मैं पुशअप्स पे जाता हूँ, बर्फीज़ करनी है बर्फीज़ भी कर लो, पहले पुशअप्स कर लेते हैं फिर बर्फीज़ बाद में देखते हैं। डन, इस तरह हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, तो इंस्टाग्राम पे अगर बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। डाइट वगैरह के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कमेंट भी कर देना, और लोगों को भाई शेयर जरूर कर देना, और लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। राम राम भाई।